नमस्कार, आप देख रहे परमार्थ आवाज। मुरलीगंज में बिजली करंट से सड़क पर घूम रहे एक गाय की मौत हो गई। यह घटना 14 अगस्त शुक्रवार की है। यह गाय किसकी है यह अभी तक किसी को पता नहीं चल सका। मुरलीगंज की बिजली तार की स्थिति ऐसी है कि आप देखेंगे तो कई जगह तार लटके हुए हैं। पोल पर तालों का मकर जाल लगा हुआ है। कई जगह तार से स्पार्क होते रहते हैं। लोगों का कहना है कि बिजली ऑफिस फोन करने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जहां पर गाय मरी है उस पोल पर करंट है। अगर उसे जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि यहां छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। मुरलीगंज का कोई यह एक जगह की कहानी नहीं, शहर में बिजली तार की जगह पर कई बार पटुआ लदी गाड़ी में आग लग चुकी है। व्यापारी के लाखों का नुकसान हो चुका है। जहां गाय मरी है उसी जगह शॉर्ट सर्किट से कितने घरों के पंखों का टीवी बिजली आदि में आग लग चुकी है। जहां गाय मरी है उसी जगह शॉर्ट सर्किट से कितने लोगों के घरों के पंखे टीवी बिजली के मीटर में आग लग चुकी है। महज यह कुछ दिन पहले की ही घटना है। कहीं ना कहीं यह बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सरकार की इतनी व्यवस्था होने के बाद भी मुरलीगंज की बिजली की स्थिति सही ढंग से नहीं सुधरी। शाम होते ही कई बार बिजली चली जाती है। यह घटना हरिद्वार चौक और सेंट्रल बैंक के बीच की बताई जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी सारी घटनाओं के बाद भी मुरलीगंज प्रखंड की बिजली की व्यवस्था सुधरती है या नहीं। है पता आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। ये लगभग कई बजे की घटना है? 11:30 बजे दिन को। तो इसका मतलब है कि इस पोल में कहीं न कहीं करंट आता है, हो सकता है। ये देख लीजिए, हाँ, तो इतना जो मान गैदरिंग है पोल पे, तो कहीं न कहीं इसका मतलब है कि खतरे का घंटी तो है यहाँ। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? इतना गैदरिंग है इस पोल पे, एक पोल पे तार वगैरह से किया जाए और देखा जाए कि इसमें क्या है, नहीं है, क्यों करंट आ रहा है। नहीं तो इससे तो आम जनता को भी परेशानी हो, जो जाएगा उसको दिक्कत हो जाएगा। और इसको देखा जाए। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम बादल हुआ। ठीक है, वार्ड में पड़ता है। इधर 7 हो गया, 6 हो गया। 7 में ये 7 हो गया, 6 हो गया। मधेपुरा से सविता नंदन कुमार की रिपोर्ट।